इंडियन आइडल में 7 हफ्तों का पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद कल एलिमिनेशन हुआ। टॉप 9 में कंटेस्टेंट थे और किसी एक की जर्नी कल खत्म हो गई, लेकिन जिस कंटेस्टेंट की जर्नी खत्म हुई है उसको लेकर अब लोगों में गुस्सा है और उनका ये कहना है कि ये कंटेस्टेंट डिजर्विंग थी, इसको नहीं निकालना चाहिए था। यहां तक कि कांग्रेस नेता ने भी ट्वीट किया। आप सभी जानते हैं कि कल के शो में जीनत अमान जी आई हुई थी, तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने इंडियन आइडल को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये मुश्किल समय है, हर फोन कॉल और सोशल मीडिया पोस्ट के साथ डरे हुए हैं। क्या वो ला सकते हैं, कोई नहीं जानता। कुछ घंटों का संगीत हमें एक पुरानी दुनिया में ले जाता है। इनमें से कोई भी बच्चा एलिमिनेशन डिजर्व नहीं करता था, अंजलि गायकवाड़ को वापस लाओ। वही षणमुख प्रिया एक बार फिर से निशाने पर आई है। लोगों ने कहा कि जो षणमुख का गाना था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जजों ने भले ही षणमुख प्रिया की तारीफ की हो, लेकिन यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, तमन्ना लिखती है, मैंने तो अपना, जब षणमुख प्रिया गा रही थी तो मैंने तो अपना टीवी म्यूट कर दिया था, माफ करिएगा, पुराने गानों को इस तरह बर्बाद करते नहीं देख सकता। अंकुश ने लिखा, पुराने गानों को इस तरह देख के मेरी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, और उन्होंने इस तरह का एक इमोजी शेयर किया है। अंजलि गायकवाड़ की जो फैंस है वो उन्हें वापस लाने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अंजलि डिजर्व करती थी, वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिसीजन बाय इंडियन आइडल जजेस, ब्रिंग बैक अंजलि गायकवाड़। तो इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर क्या बकवास है, जिसने गाने का पूरी की पूरी वाट लगाई आपने उसको नहीं निकाला और अंजलि को निकाल दिया, वर्स्ट डिसीजन, गायकवाड़ जो है वो डिजर्व करती थी, उसको वापस लाया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर ट्वीट्स हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि अंजलि गायकवाड़ डिजर्विंग थी, और षणमुख प्रिया एक बार फिर से निशाने पर आई है, और लोगों ने कहा है कि अंजलि नहीं बल्कि षणमुख को निकाला जाना चाहिए था। आप सभी जानते हैं कि षणमुख जो है बॉटम 2 में थी अंजलि के साथ, लेकिन अंजलि का एविक्शन हुआ और षणमुख जो है बच गई हैं।